हेलो एवरीवन, मोचेन उन न्यूज़पेपर्स में उसकी और जेंग की पिक्चर्स देखकर शॉक हो जाता है। तो उसके डैड बोलते हैं, मैं तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा, तुम फिर से शादी करना चाहते हो, पर जेंग शाओ तो बस एक नैनी है, मुझे ये सही नहीं लग रहा। तो मोचेन कहता है, जेंग शाओ तो बस मुया का ख्याल रखती है, मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ये सुनकर पीछे से हंस रहा था। मोचेन अपने मन में सोचता है, अब इस करंट सिचुएशन के कारण बहुत सारे रिपोर्टर्स बाहर आ चुके होंगे, आज जेंग शाओ को बाहर नहीं जाना चाहिए। वो अपने डैड को बोलता है, मुझे काम है तो जाना होगा, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। मुई बोलता है, हाँ जाओ जल्दी। वो घर में जाकर जेंग को इधर उधर ढूंढने लग जाता है, पर उसे वो कहीं नहीं दिखती। तो वो अपनी मेड को पूछता है, जेंग शाओ और आंट लैन कहाँ पर है? वो मेड उसे बोलते हैं, लेडी जेंग हॉस्पिटल जा रही थी, तो यंग लेडी को भी उनके साथ जाना था, सो आंट लैन उन दोनों के साथ गए हैं। तो मोचेन सोचता है, मैं लेट हो गया। वो अपने ड्राइवर को बोलता है, जल्दी मेरे लिए कार निकालो। वो ड्राइवर बोलता है, यस। फिर जेंग मुया और आंट लैन को दिखाया जाता है। जेंग हंसते हंसते बोलती है, ये मेरे साथ जाने की जिद तो करने लगी, पर कितनी जल्दी सो गई। तो आंट लैन बोलते हैं, वो आज जल्दी उठ गई थी ना, तो इस वजह से उन्हें नींद आ गई होगी। तभी जेंग के फ़ोन पर सुजी का फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठाती है तो सुजी बोलता है, शाओ आज ये किंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली है, तुम उसे पिकअप कर सकती हो या फिर मैं आ जाऊं? जेंग बोलती है, मैं उसे लेने ही जा रही हूँ, अभी रास्ते में हूँ, पर मैं तो उसके लिए व्हीलचेयर लेना एकदम ही भूल गई। तो सुजी कहता है, मैंने कितने टाइम से खरीद रखा था। जेंग बोलती है, वाओ मुझे लगता है तुम्हें उसमें कुछ स्पेशल इंटरेस्ट है ना? ओके, तो चलो मैं पहुंच गई हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। इधर मोचेन जेंग को कॉल लगा रहा था, पर सामने से आवाज़ आती है, डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। तो वो सोचता है, ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है। तभी वो फोन उठा लेती है तो मोचेन बोलता है, जेंग शाओ जल्दी से अभी के अभी घर वापस आ जाओ। जेंग बोलती है, क्यों? मैं तो यहाँ पर पहुंच गई, ये किंग मेरा इंतजार कर रही है। वो हॉस्पिटल पहुंच गई होती है और मोचेन को बोलती है, अगर आप घर चेंज करने की बात कर रहे हो तो वो मैं बहुत जल्द चली जाऊंगी। वो कार से बाहर निकलती है तो उसके चारों ओर रिपोर्टर्स होते हैं। मोचेन उसे कहता है, अगर तुम पहुंच गई हो तो प्लीज़ कार से बाहर मत निकलना। वो सभी रिपोर्टर्स जेंग को चारों ओर से घेर लेते हैं। वो लोग उसे क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं कि लेडी जेंग, प्लीज़ बताओ कि आप और मिस्टर मू एक दूसरे को कब से प्यार कर रहे हो, आप मिस्टर मू से कब मिले, आपको सक्सेस कब मिली। मोचेन ये सब कुछ सुन लेता है और बोलता है, रुको मैं आ रहा हूँ। इधर जेंग सामने देखती है तो सभी रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने के लिए उत्सुक हो रहे थे। जेंग बोलती है, जेंग कंपनी के न्यू प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइज के लिए आप सबका शुक्रिया, उस प्रोडक्ट का नाम मूला चुआन है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप आकर बाय कर सकते हो, इसमें स्पेशल टेस्ट है। उसकी ये बातें उन रिपोर्टर्स को समझ नहीं आ रही थी। वो लोग जेंग को पूछते हैं, लेडी जेंग मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, आपका और मू का क्या रिश्ता है, आप और मिस्टर मू जू में क्यों डेटिंग कर रहे थे? इन लोगों की बातें सुनकर जेंग सोचती है, जू कल क्या हुआ था? आंट लैन भी कार में से ये सब कुछ देख कर सोचते हैं, ये सब क्या हो रहा है? रिपोर्टर्स जेंग से पूछते हैं, प्लीज़ बताओ कि कार में जो बच्ची है वो मुया है, मिस्टर मू की बेटी, क्या आप उसकी मॉम बनकर उसका प्यार पाना चाहते हो? जेंग बोलती है, मैं अब कोई और आंसर नहीं देना चाहती, आप सब मुझे रास्ता दो, मैं मेरी फ्रेंड के पास हॉस्पिटल में जाना चाहती हूँ। फिर वो आगे जाने लगती है और बोलती है, थैंक यू। तभी मोचेन आ जाता है तो सारे रिपोर्टर्स की नज़र मोचेन पर चली जाती है। जेंग उसे देखकर सोचती है, ये इधर क्यों आ गया? वो रिपोर्टर्स मोचेन से भी वही सब पूछने लग जाते हैं कि आपका और लेडी जेंग का क्या रिश्ता है। तो मोचेन कहता है, मेरे और जेंग के बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। रिपोर्टर्स पूछते हैं, पर आप और जेंग जू में डेट कर रहे थे वो सब क्या था? तो मोचेन बोलता है, वो मेरी बेटी की नैनी है, वो बस मेरी बेटी का ख्याल रखती है।
तो वो रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करते तो आप यहाँ पर क्यों आए हो। मोचेन बोलता है, ये सारी बातें मेरी खोई हुई वाइफ पर खराब असर करती है, सो मैं ये सब क्लियर करने के लिए आया हूँ। रिपोर्टर्स पूछते हैं, वो आपकी वाइफ जैसी दिखती है, इसीलिए आपने उसे अपनी बेटी के लिए एज अ नैनी चुना ना, सही कहा ना। मोचेन बोलता है, ये सारी बातें गलत है, सबको पता है कि मैं सिर्फ अपनी वाइफ टोंग टोंग को ही प्यार करता हूँ। तो वो सारे रिपोर्टर्स जेंग के पास चले जाते हैं और उसे पूछते हैं, लेडी जेंग, आप सच में मिस्टर मू को डेट नहीं कर रहे हो? तो क्या आप दोनों बस एक ब्यूटीफुल इमेज के लिए ऐसे चल रहे थे? जेंग बोलती है, आपको क्लियर आंसर मिल गया होगा। रिपोर्टर्स बोलते हैं, आप दोनों एक दूसरे को प्यार तो करते हो, पर किसी को पता ना चले इस वजह से आप नैनी की पोजीशन ले रहे हो ना। यार ये रिपोर्टर्स भी ना, इन लोगों को कितनी बार बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी एक ही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, जेंग शाओ मेरी गर्लफ्रेंड है। उसके और मोचेन के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, वो डॉक्टर गाओ शाओ था। जेंग उसे देखकर शॉक हो जाती है और मोचेन भी उसे अलग तरीके से देखता है। डॉक्टर गाओ जेंग के पास आकर उसे आंख मारता है, वो नाटक करने लग जाता है। वो बोलता है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अब तुम्हें नैनी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोचेन ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है या फिर उसे जलन होने लगती है। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।